एक पैटर्न के तहत सुबह सुबह 6 बजे के करीब जो ईमेल्स आई हैं, उन स्कूल्स में इस वक्त एहतियात के तौर पर टीम्स जाकर मुआयना भी कर रही हैं कि हालात क्या है। पेरेंट्स जिस तरीके से परेशान हो रहे हैं, उनकी तरफ से फिलहाल क्या कहा जा रहा है, उनसे भी हमारे सहयोगी लगातार बात कर रहे हैं। सुनिए पेरेंट्स की बात। आपका नाम क्या है? चंदन कुमार। आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है? मेरे दो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, एक 4th क्लास में और एक 1 क्लास में। अच्छा, तो आपको मैसेज कैसे मिला? मैसेज सुबह 6:15 में मेरे स्कूल का जो इनका व्हाट्सएप ग्रुप क्लास का बना हुआ है उस पे आया था स्कूल की तरफ से कि दैट देर आर सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस जिसके चलते आज स्कूल के बच्चों के लिए और स्टाफ के लिए बंद रहेगा। अच्छा, तो आप लोग क्या फिर देखने आए स्कूल में कि क्या छुट्टी क्यों है, किस वजह से कर? हाँ, जब ये न्यूज आया उसके बाद एक्चुअली हम लोगों ने आपस में बात करनी शुरू की, तो कुछ पेरेंट्स जो आसपास रहते हैं वो यहाँ से उन्होंने फोन पे बताया कि कोई बॉम्ब थ्रेट आया है जिसके चलते स्कूल बंद है और उसकी चेकिंग चल रही है। फिर अभी जस्ट मेरे को एक फोन आया, जो डीपीएस रोहिणी में एक पेरेंट है, उनके बच्चे डीपीएस रोहिणी, उनको भी फोन गया है कि सारे बच्चे जो स्कूल में जा चुके थे उनको वापस भेज रहे हैं, क्योंकि शायद एक एडवाइजरी आई है सारे डीपीएस की चेकिंग होगी। सारे डीपीएस की मतलब तलाशी हो रही है अंदर? हाँ जी, अभी तो यही इन्फॉर्मेशन। सारे डीपीएस बंद है, आपके जो परिचित बता रहे हैं कि वो भी स्कूल बंद कर दिया गया है, आप जो बता रहे रोहिणी वाला? हाँ जी, रोहिणी को भी अभी बोला गया है सारे बच्चों को वापस ले जाने के लिए। पहले स्टार्टिंग में मुझे ये बताया गया था कि स्कूल में कुछ इश्यूज वगैरह है, तो फिर ना आए स्कूल के अंदर, मैं स्कूल के बाहर थी, जस्ट एंटर करूंगी, तो फिर 10 स्टूडेंट्स के एग्जाम वगैरह थे तो वो कैंसिल कर दिए गए क्योंकि बॉम्ब वगैरह से मिलने के चक्कर। आज आपका स्कूल था? हाँ, आज था। तो 8:17 में स्कूल की तरफ से SMS आता है कि स्कूल में बॉम्ब थ्रेट्स वगैरह मिलने के चांसेस है, तो आप ना। आपने अपने बाकी साथी स्टूडेंट से बात की? क्या बोला? हाँ, उनने बात की तो उन्होंने यही SMS जो आया था उन्होंने वही बताया। मैंने बोला कि स्कूल में क्या इशूज थी, तो उन्होंने बताया कि बॉम्ब वगैरह मिलने के चांसेस वगैरह। और देखिए, स्कूलों को मिली धमकी पर नोएडा के DCP विद्यासागर मिश्र से बात की है TV9 संवाददाता रजनीश रंजन ने। उन्होंने क्या कहा है अब तक की जांच को लेकर, सुनते हैं। नोएडा के DCP हैं हमारे साथ, विद्यासागर मिश्र जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपने सर्च ऑपरेशन किया है, तलाशी में क्या कोई संदिग्ध वस्तु मिली? आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमें सूचना मिली कि ईमेल से इस तरह का एक प्राप्त हुआ है, इस पर स्कूल प्रबंधन से सहयोग लेते हुए पुलिस प्रशासन तत्काल हमारे पुलिस के इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ पहुँच गए, साथ ही साथ AS टीम, BDDS टीम, फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा सघन तलाशी ली जा रही है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बच्चों से स्कूल खाली कराया जा चुका है और हमारे द्वारा भी तलाशी ली जा रही है। तलाशी में सर अभी तक क्या कोई ऐसा कोई एलिमेंट या ऐसी कोई चीज़ मिली है जो पैनिक करे या नहीं, जिससे ऐसी कोई भी वस्तु नहीं प्राप्त हुई है और किसी भी प्रकार के पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं, पुलिस की टीम मौजूद है, सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है सर, और क्या क्या बंदोबस्त आपने किया है? अगर कोई संदिग्ध वस्तु मिलता है तो उसको इवैक्यूएट कैसे किया जाएगा, उसके लिए किस तरह की तैयारी? हमारे पास सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है, हमारे द्वारा चेकिंग, फ्रिस्किंग, हर चीज़ की संपूर्ण रूप से व्यवस्थाएँ हैं और हम सक्षम हैं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। और सर, ये जो ईमेल आया है, क्या उसके बारे में कुछ बता पाएंगे? IP एड्रेस या तमाम चीज़ों की जानकारी, ये होक्स ईमेल हो सकता है क्योंकि दिल्ली में भी इसी तरह कई जगहों पे ये ईमेल भेजे गए हैं, नोएडा में भी भेजे गए हैं, तो क्या इसकी जांच के लिए आप लोग किसी कमेटी या किसी तरह का कंसिडरेशन कर रहे हैं? इस संबंध में हमारी टीम कार्य कर रही है। बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं? जी। और इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर बता दें, जहां स्कूलों में बम की धमकी पर दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी का भी बयान आया है। जांच में अभी तक कुछ नहीं मिला है, अभिभावक बच्चे घबराए नहीं, दिल्ली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, धमकी वाले स्कूल्स को खाली करा लिया गया है। तो अब शिक्षा मंत्री जिस तरीके से इस पूरे मामले पर जानकारी दे रही है, जीत यही इस वक्त की प्राथमिकता है कि पेरेंट्स और बच्चे घबराए नहीं और जांच शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए, जो शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली की आतिशी, उन्होंने भी एक ट्वीट किया और कहा कि पेरेंट्स घबराए नहीं, वो लगातार स्कूल प्रशासन सबसे टच में है, इस बात को लेकर खबर ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक अपील भी किया है कि जो नागरिक है, जो पेरेंट्स अभिभावक है, वो किसी भी तरीके से घबराए नहीं। तो एक आश्वासन जो है वो दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी की तरफ से तमाम जो पेरेंट्स हैं उनको दिया गया है, उसको लेकर के ये बयान दिया गया। और देखिए, दिल्ली सरकार भी नज़र बनाए हुए हैं तमाम इन कॉल्स को लेकर के या जो मेल्स आई हैं स्कूल्स को, कि आखिर इसको लेकर चल क्या, इनमें सच्चाई है या फिर कोई शरारती मेल था ये, तो उसको लेकर नज़र बनाए हुए हैं दिल्ली सरकार भी, और इसी को लेकर के दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी का ये बयान जो है सामने आया है। बिल्कुल, दिल्ली NCR के तमाम स्कूलों से बच्चों को रवाना किया जा चुका है अपने घर के लिए, जो पेरेंट्स हैं उन्हें सूचना दी जा चुकी की है। और दोनों ही जगहों पर, चाहे हम यूपी के स्कूलों की बात करें, क्योंकि नोएडा में कई स्कूल हैं जहां पर धमकी भरा ये ईमेल मिला,
उन तमाम स्कूलों को खाली कराया जा चुका है, लोगों को बताया जा चुका है और अभी तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध किसी भी स्कूल से बरामद नहीं हुआ है। धमकी वाले स्कूलों को खाली कराने के बारे में आतिशी की तरफ से भी जानकारी दी गई है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। शालिनी, कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? ये देखिए इनके हाथ में क्या क्या है और ये देखिए स्कूल में अंदर तलाशी लेने जा रहे हैं, जांच करने जा रहे हैं। तो बम स्क्वाड टीम है जो कि जांच करने के लिए जा रही है। देखिए स्निफर डॉग्स जो है वो भी उनको भी लेकर यहाँ पर टीम पहुंची है और अंदर बच्चे छोटे छोटे बैठे हुए हैं। वो तस्वीर देखिएगा कितने छोटे बच्चे बैठे हैं अंदर और अंदर इंतजार कर रहे हैं अपने पेरेंट्स का। और बम स्क्वाड टीम पहुंची, अंदर तलाशी लेगी, अंदर जांच करेगी एक एक जगह की। इनको देर से पता चला, इन्होंने इन्हीं से स्कूल ने देर से मेल चेक किया और यहाँ पर देखिएगा बच्चे कैसे इंतजार कर रहे हैं। तो पेरेंट्स पहुंचे हैं अपने बच्चों को ले जाने के लिए। आपका क्या नाम है? धनवीर जी। छोटे बच्चे ये कैसे, क्या कहा, क्या गया स्कूल की तरफ से? आप बता रहे जी, क्या हुआ क्या नहीं, कुछ पता नहीं है। क्या बताया क्या? तो आप बच्चों को लेने आए? हाँ जी, बच्चों को लेने आए। तो और ये इन बच्चों को भी ले आया? लीन को भी ले आया जी, बच्चे को जी। ये बच्चे दूसरे स्कूल में पढ़ते, यहाँ पर दूसरे स्कूल में आपके बच्चा है, यहाँ भी लेने आए? यहाँ भी लेने आए जी। कितने स्कूलों से आपके पास अभी तक पता चल रहा है कि इस तरह की स्थिति है कि स्कूल बंद कर? सारे स्कूलों की स्थिति ऐसी हो रही है जी द्वारको में। देखिए मैं ये पेरेंट जो है, तो आप लोग तो काफी डर गए होंगे ना? डर गए जी, डर के भागे हम से घर से जी। भागते हुए पेरेंट्स यहाँ पर पहुंचे लेकिन अभी भी बहुत से पेरेंट्स नहीं पहुंच पाए, इसलिए बच्चे देखिए कैसे छोटे छोटे से बच्चे हैं, देखिए बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स जो है वो पहुंच भी रहे हैं। लगातार स्कूल वैन यहाँ पर जा रही है और हमने आपको तस्वीरों में दिखाया कि बॉम स्क्वाड टीम जो है ना वो पहुंची है, स्निफर डॉग्स पहुंचे, छोटे छोटे से बच्चे। तो आपको कैसे स्कूल की तरफ से क्या कहा गया जी? फोन करके बताया गया कि जाना बच्चे को ले जाइए। क्या कहा उसमें, क्या मैसेज दिया, फोन किया, क्यों ले जाइए, क्या कुछ बताया? सिक्योरिटी रीजन से बंद को बता रहे हैं। सिक्योरिटी रीजन बताया हमें तो, सिक्योरिटी रीजन बताया, सिक्योरिटी रीजन से उनको स्कूल बंद है आज, अब बच्चे को ले जाइए आके अपने। अच्छा, तो देखिए मैं तस्वीरों में जो आपको दिखा रही हूँ, छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अगर हो तो चिंता एक होती है कि क्या है, क्यों छुट्टी कर दी गई, क्यों स्कूल बंद कर दिया। हम तो घबरा के, मतलब पता नहीं क्या बात होगी। तो ये मैं इंतजार जो बच्चे कर रहे हैं उनका देखिए चेहरा, छोटे बच्चे कैसे इंतजार कर रहे हैं, उनके पेरेंट भी आए उनको ले जाए। तो स्कूल ने इस तरह से बाहर सबको बिठा रखा है बच्चों को और अंदर दिल्ली पुलिस जो है वो जांच कर रही है, तलाशी ले रही है और लगातार यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स हैं वो भी पहुंच रहे हैं, वो भी यहाँ पर जांच कर रहे हैं अंदर। लेकिन सबसे ज्यादा जो पेरेंट्स हैं वो परेशान, भाग भाग के लोग पहुंच रहे हैं कि जल्दी से बच्चे को ले जा रहे हैं। एक बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है, एक बच्चा दूसरे स्कूल में पढ़ता है, तो उनको लग रहा है इस यहाँ से बच्चे को लो, फिर जल्दी से दूसरे स्कूल पहुंचो, वहां भी बच्चे को ले जाना, जैसे कि एक पेरेंट बता रहे थे। और एक और कुछ लोग मिले, उन्होंने बताया कि मुझे तीन बच्चे मेरे तीनों अलग स्कूल में पढ़ते और तीनों जगहों से मेरे पास मैसेज आया है, तो तीनों जगह हमें एक एक करके स्कूलों में जल्दी से पहुंचना है। तो पेरेंट्स परेशान हैं और लगभग दिल्ली के तमाम स्कूलों की स्थिति है, फिलहाल 25 से ज्यादा स्कूलों की संख्या हो चुकी है। तो दिल्ली के लिए, दिल्ली के स्कूलों के लिए और उनके जहां बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स वो बहुत परेशान है कि आखिर ये है क्या। जांच में अभी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है लेकिन टीम लगातार जांच कर रही है। देखिए यही इसी में बॉम स्क्वाड की टीम पहुंची थी, सारी अपनी चीजों को लेकर, स्निफर डॉग्स को लेकर पहुंची टीम और जांच कर किस से, देखिए बच्चे कैसे जा रहे हैं स्कूलों से। तो पेरेंट पहुंच रहे हैं लगातार, नजर बनाकर रखिए शालिनी, आप नजर बनाकर रखिए। रजनीश रंजन हमारे संवाददाता डीपीएस नोएडा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रजनीश, वाकई ये बहुत बड़ी समस्या है, कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चे अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं और तमाम स्कूलों से उनके पास कॉल आई है कि यहां से आप अपने बच्चों को ले जाएं, हमने छुट्टी घोषित कर दी है। इस वक्त डीपीएस नोएडा और साथ ही साथ डीपीएस की, क्योंकि ग्रेटर नोएडा जो ब्रांच है वहां पर भी ऐसा ईमेल आया था, क्या अपडेट है दोनों जगहों से? देखिए इस वक्त मैं डीपीएस के सेक्टर 30 में हूँ और थोड़ी देर पहले डीसीपी से भी बात हुई थी, स्कूल के प्रिंसिपल से भी बात हुई थी। अभी तक सर्च ऑपरेशन चल रहा है लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु, कोई एक्सप्लोजिव अभी तक नहीं मिला है, ये राहत की बात है। और तमाम जिन स्कूलों को धमकी दी गई है, तमाम जगहों से अभी तक किसी तरह की कोई अप्रिय समाचार नहीं आई है। निश्चित तौर पर एक बड़ी साजिश हो सकती है, ये एक तरीके से धमकी भरा ईमेल था और ये साजिश किसने
किया और इसका मकसद क्या है, ये जरूर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से सामने आएगा। लेकिन बड़ी बात और राहत की बात यह है कि एक तो सबसे पहले स्कूल ने बहुत तत्परता दिखाई, स्कूल प्रशासन ने तमाम बच्चों को यहाँ से उनके घरों में भेज दिया, जो डेली कम्यूटर्स हैं, जो बसों से आते हैं, जो किसी और साधन से आते हैं, स्कूल के ट्रांसपोर्ट से नहीं आते हैं, तमाम बच्चों के पेरेंट्स को जानकारी दी गई, उनको तुरंत बुलाया गया और तुरंत उनको यहाँ से हटा दिया गया ताकि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो कम से कम बच्चे सुरक्षित हों। जैसे जैसे पुलिस ने इनको निर्देश दिया, पूरा स्कूल प्रशासन ने उस प्रोटोकॉल का पालन किया है। जब तक सर्च ऑपरेशन ग्राउंड फ्लोर पे चल रहा था, तमाम जो स्टाफ थे वो बाहर ग्राउंड में खड़े नजर आए और जब तक पुलिस ने उनको अंदर जाने के लिए नहीं कहा तब तक वो लोग कोऑपरेट करते रहे। अभी भी यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है वो भीतर चल रहा है, तमाम पुलिस के लोग मौजूद हैं, प्रशासन के लोग मौजूद हैं, यहाँ पर जो बॉम्ब स्क्वाड के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहां पर रखे जाएं ताकि अगर किसी तरह का कोई भी संदिग्ध वस्तु यहां मिलता है तो तुरंत उसको डिफ्यूज किया जाए और जो भी यहां पे लोग हैं, जो स्कूल के स्टाफ हैं, स्कूल के ग्राउंड स्टाफ हैं, उनको यहां से इवैक्यूएट किया जाए। लेकिन अभी तक अच्छी बात यह है और राहत की बात यह है कि अभी तक की जांच में कोई ऐसी चीज नहीं मिली है, लेकिन जरूर यह ईमेल जहां से जनरेट हुआ है, किस आईपी एड्रेस से हुआ है और उसका मकसद क्या है, सिर्फ डराना है या कुछ और बड़ी बात है? क्योंकि आपको याद दिलाऊं, पिछले साल दो बार एक ही स्कूल में, दिल्ली के एक पब्लिक स्कूल में इसी तरह के ईमेल आए थे, लेकिन ये जो ईमेल आया है सीरीज ऑफ स्कूल के लिए आया है, सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बल्कि एनसीआर के बड़े स्कूलों के लिए आया है, तो इसका मकसद जरूर कुछ बड़ा हो सकता है, उसकी जांच पुलिस जरूर करेगी। और एहतियात के तौर पर जिस तरीके से अभी फिलहाल स्कूलों को खाली कर लिया गया है, जीत यही सवाल आपने पुलिस से भी, जो मौके पर पहुंची टीम थी उनसे किया गया था कि एहतियात के तौर पर किस तरीके से स्कूलों में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जहाँ जहाँ से खबरें आ रही हैं कि उनको मेल के जरिए इस तरह की धमकी मिली है और तुरंत जो वक्त गवाए बिना ही जो है यहाँ पर पुलिस की टीम पहुँची, स्पेशल ब्रांच पहुँची है, बॉम्ब स्क्वाड पहुँचा है, साथ में फायर ब्रिगेड की जो दमकल की गाड़ियाँ होती हैं उनको बुलाया गया है और उसके बाद में लगातार सर्च चल रही है। पहले सबसे पहले पूरे स्कूल को खाली कराया गया, उसके बाद में जो स्टाफ था उनसे भी कहा गया कि आप बाहर चले जाइए और तमाम जो प्रिमाइस था, चाहे वो बेसमेंट था या स्कूल की ऊपरी मंजिल थी या उसका जो प्रेयर ग्राउंड था, हर जगह चेक किया गया, इवन जो गमले हैं फूल पत्तियाँ। बहुत शुक्रिया शालिनी आपका, जितेंद्र भाटी आपका, रजनीश रंजन आपका, हमारे तमाम संवाददाता, हमारे तमाम सहयोगी दिल्ली एनसीआर के तमाम स्कूलों में पहुंचे। जैसे ही ये खबर आई हर अपडेट हमने आप तक पहुंचाई, क्योंकि 50 से ज्यादा स्कूलों में एक साथ ऐसे धमकी भरे ईमेल पहुंचे थे।